अब अंतर देखना भाई वैलिडिटी में और रिलायबिलिटी में और ऑब्जेक्टिविटी में, ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी से क्वेश्चन कई बार आता है और वैलिडिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। ओके, तो अगली करेक्टरिस्टिक्स जो है रिसर्च की, अगली विशेषता है वो क्या है, वैलिडिटी है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपके जो प्रोसीजर हैं, जो रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेस्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ कितने एक्यूरेट हैं वो, ठीक है, ये बात हम इसमें देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट्स, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे अगर एक्यूरेट हैं, आप ठीक प्रयोग कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट भी क्या आएंगे, ठीक आएंगे। बात समझ में आई? यानी कि प्रोसीजर्स, टूल्स, टेस्ट, जो भी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, तो आपकी वैलिडिटी क्या होगी, बढ़िया होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 1 किलो का बाट देखो, है ना, बाट 1 किलो का जो आता था, तो कई लोग क्या करते थे, उसको 1 किलो की जगह पे कम का रखते थे, 800 ग्राम का बाट रख देते थे और उस पर लिखा रहता था 1 किलो। सो कस्टमर क्या सोचेगा कि ये 1 किलो ही है, लेकिन वास्तविकता तो बेचने वाले को पता है कि 800 ग्राम का है, है ना। तो वो क्या होता था, एक्यूरेट नहीं होता था, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी वहां पर डाउट में रहती थी। तो वहां पर इसका मतलब, यदि आप रिसर्च में भी ऐसा ही करते हो, रिसर्च में भी आप जो है एक्यूरेसी का प्रयोग नहीं करते हो, तो आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और ये रिसर्च में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च में क्या होना चाहिए भैया, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टेस्ट के मामले में, इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में, प्रोसीजर्स के मामले में, हर मामले में। ठीक है, और यानी कि यहां पर कोई भी बायसनेस नहीं चलेगी, एरर्स नहीं चलेंगे। ओके, वैलिडिटी को यदि आप सिंपल शब्दों में कहना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट मेजर्स व्हाट, मतलब आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या प्रोसीजर हैं, वो वही मेजर करते हैं जो कि इंटेंडेड है, जो आप मेजर करना चाह रहे हो वही चीज मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उद्देश्य आप लेकर के चले हो, वही कंप्लीट कर रहे हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में सही हो और सही चीज माप करें वो हमारे उद्देश्य के हिसाब से। इसका और ये एक चीज और देखो कि वैलिडिटी जो है ना भाई, वो रिलायबिलिटी से बड़ी चीज है। यानी कि वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस जो है रिलायबिलिटी से ज्यादा है। रिलायबिलिटी क्या है कि बार बार आपके रिजल्ट क्या आए, सेम आए, सिमिलर आए, मतलब सेम प्रोसीजर से अगर आप चलते हैं तो एग्जैक्टली या अराउंड अराउंड सेम रिजल्ट्स आना, ये क्या है, रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी क्या है कि आप एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स में और प्रोसीजर में। अब एक बात बताओ भाई, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गलत नापने वाला है तो हर बार वो सेम रिजल्ट तो दे देगा, यानी कि रिलायबिलिटी तो सही कर देगा, लेकिन वैलिडिटी उसकी फिर भी खराब है। तो पहली चीज तो है कि वैलिडिटी ठीक होनी चाहिए, तब जाकर के हम रिलायबिलिटी पर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए क्या है, वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस रिलायबिलिटी से ज्यादा है रिसर्च के अंदर। क्लियर हुआ सबको? ओके, अब वैलिडिटी ना कई प्रकार की हो सकती है। वैलिडिटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो टाइप क्या हो सकते हैं वैलिडिटी के भैया? सबसे पहला होता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कि अगर 1 किलो का बाट है तो वो 1 किलो का ही होना चाहिए, वो 800 ग्राम का ना हो। यदि वो 800 ग्राम का है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंटरनल वैलिडिटी ठीक नहीं है। या आप ये मान करके चलिए कि आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहां पर कुछ आपके पास में पीपेट रखी है, कुछ मेजरमेंट्स के वो ग्लास व्लास से रखे हैं जिसमें केमिकल्स रखे हुए हैं, और वहां पर स्केलिंग बनी हुई है कि ये इतना 1 ml है, 5.5 ml है, इतना ml है। ठीक है, तो यदि वो गलत लिखा हुआ है तो आपका मामला हो गया वहीं पर गड़बड़। ठीक है, केमिकल HCl लिखा हुआ है और अंदर उसके NaCl है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सेम जो चीज लिखी हुई है जैसा है वैसा ही होना चाहिए, है ना, एक्यूरेसी होनी चाहिए।
तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, यदि वो कॉम्प्रोमाइज है, वहां पर जो है HCl की जगह पे दूसरा कोई केमिकल रखा हुआ है, तो वो क्या मतलब है उसका, इंटरनल वैलिडिटी ठीक नहीं है, यानी कि भीतर में ही गड़बड़ है, बाहर की बात तो छोड़ो, अंदर से ही मामला गड़बड़ हो रहा। जैसे एक किलो का बाट ना होकर के 800 ग्राम का, तो भीतर ही गड़बड़ हो गई, तो ये क्या हो गई, इंटरनल वैलिडिटी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ओके, क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंट में कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो इसको हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इसको क्रेडिबिलिटी भी बोल सकते हैं, इंटरनल वैलिडिटी को क्रेडिबिलिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है, आपका काम जो है कितना क्रेडिबल है। ठीक है भाई, ओके, क्रेडिबिलिटी भी इसको कह सकते हैं। अगली बात, सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी तो हमने पढ़ ली, एक्सटर्नल वैलिडिटी और देख लेते हैं भैया, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। देखो, एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होती है जहां पर, यानी कि एक्सटेंड टू विच रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड। आपके जो रिजल्ट हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं, उसको आप कितना जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आपने लैब में किया, क्या सेम एक्सपेरिमेंट, सेम चीजें अगर आप बाहर भी कर करके देखते हो, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में करके भी देखते हो, तो क्या वहां पर भी सेम रिजल्ट देगा, क्या वहां पर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेक करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंसेज में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मतलब स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हो, तो एक इन्वायरमेंट सेटिंग में किसी चीज को देखना, आपके बनाए हुए प्रोसीजर में, आपकी बनाई हुई परिस्थिति में आप उस चीज को देख रहे हो, और दूसरा उसी को किसी और की दी हुई परिस्थिति में या अलग इन्वायरमेंट में जाकर के अगर आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, तो क्या सेम रिजल्ट आते हैं, उस चीज को कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी कि आपके इन्वायरमेंट में भी वो कारगर है और बाहर जाकर के दूसरे इन्वायरमेंट में भी वो कारगर है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, बढ़िया है। यानी कि कोरोना की कोई वैक्सीन बनाई और वो भारतीयों पे तो अप्लाई हो रही है और चाइनीज पे नहीं अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ठीक नहीं है, समझ गए। यानी कि हरियाणा में अगर किसी पे कोरोना वैक्सीन काम कर रही है और किसी और स्टेट में नहीं कर रही है, तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, समझ गए। ओके, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब हो गया जनरलाइज, जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा बढ़िया है, इसलिए इसको जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर होता है क्रेडिबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी से थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन ये कोरस्पोंडिंग कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा मैच करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अलग कैसे होते हैं वो बताएंगे बाद में, दोनों को अलग से भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई, इसके अलावा क्या हो सकता है भैया, फेस वैलिडिटी हो सकती है। फेस वैलिडिटी, अब फेस वैलिडिटी क्या होती है, यानी कि आपने जो चीज ली है, इंस्ट्रूमेंट लिया है, वही गड़बड़ ले लिया। जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हो और आपने क्वेश्चनेयर के माध्यम से, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, आपने क्वेश्चनेयर ही गलत बना दिया, क्वेश्चनेयर ही गलत है, उसका फेस ही गलत है, वो जो दिख रहा है वही गड़बड़ है, बात समझ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, फेस वैलिडिटी बोलते हैं। समझ में आ गया भाई, ओके, यानी कि सर्वे या क्वेश्चनेयर में सीधे सीधे गड़बड़ हो तो उसको क्या कह देंगे, फेस वैलिडिटी कह देंगे। फेस वैलिडिटी के अलावा और क्या हो सकता है, कंटेंट वैलिडिटी भी एक चीज होती है भैया, कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्ट है या जो कॉन्सेप्ट आप उसमें यूज कर रहे हो, वही गड़बड़ है, वही क्लियर नहीं है, समझ गए। जिस कंटेक्स्ट में चीजों को यूज किया जा रहा है, वही अगर गड़बड़ है तो उसको कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट, यानी कि यहां पर कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है, तो कुल मिला के गड़बड़ है या नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, कंटेंट वैलिडिटी कहेंगे। यानी कि हम चेक करते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी कैसी है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है तो फिर कंटेंट वैलिडिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आपकी रिसर्च में कभी भी जो आप कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हो, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए,
कौन धारणा ही कॉन्सेप्ट ही अगर आप गलत लेकर के चल रहे हो, यानी कि आप ये कह रहे हो कि कोई चीज़ नीचे गिरती है और वो ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरती, वो अपने अपने वजन से गिरती है, ठीक है। तो वजन भी क्या होता है, वजन भी भैया ग्रेविटी की वजह से ही होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी वही होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है तो आप चीजें भी आगे गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट वैलिडिटी या कॉन्सेप्ट वैलिडिटी भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और वैलिडिटी होती है जिसको कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी या क्राइटेरिया वैलिडिटी, ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। यहां तक दिख रहा है सबको क्राइटेरियन वैलिडिटी, मैं कट जा रहा हूं क्या? तो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है कि हाउ वेल वन मेजर या प्रेडिक्ट्स वन आउटकम फॉर अनदर मेजर, यानी कि आपका एक आउटकम किसी भी प्रोसीजर से, मान लो आपको एक आउटकम आया, अब ये एक आउटकम अगले मेजर को कितना इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने BMI कैलकुलेट करना है, तो BMI के लिए पहले आपके पास में हाइट होनी चाहिए और वेट होना चाहिए, ठीक है, तो वेट होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो कुल मिला के यदि आपके एक प्रोसीजर में गड़बड़ है, वेट में गड़बड़ है, तो ऑब्वियसली BMI में भी गड़बड़ होगी ही होगी, समझ रहे हो, यानी कि एक स्टेप से अगले स्टेप में गड़बड़ होगी ही होगी। तो इस चीज को चेक करने के लिए क्या कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं, यानी कि अगर ऐसी गड़बड़ है तो आपका क्या है, क्राइटेरिया ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आई, ओके। अब इसमें और क्या हो सकता है, इसके कई बार ना सब टाइप भी आ जाते हैं, वैसे आज तक क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कोई आया है क्राइटेरियन वैलिडिटी के सब टाइप से, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्राइटेरियन वैलिडिटी के अलग अलग सब टाइप भी होते हैं। एक होता है भैया प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, क्या होता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी किसका टाइप करा रहे हूं मैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी का पहला टाइप है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है, ये टेस्ट करता है प्रिडिक्शन को, यानी कि आप किसी चीज का कोई मेजरमेंट करके एक अनुमान लगाते हो, एक प्रिडिक्शन करते हो। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बिहाफ पे हम नेक्स्ट चीज़ को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि एक आउटकम आया तो नेक्स्ट आउटकम को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं कि शायद ये हो सकता है, अब ये होगा, ठीक है, अगला ये हो सकता है, ठीक है, जो प्रिडिक्शन करना है ना। तो ये प्रिडिक्शन भी किस पे होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, एक आउटकम आता है तो प्रिडिक्शन होता है नेक्स्ट। जैसे आपके पास एक ओवर में जो है मतलब बहुत ज़्यादा रन बनाने हो और बॉल आपके पास कम बची हो, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि शायद अब ये नहीं जीतेगा, है कि नहीं, और यदि अगली बॉल पे वो छक्का मार दे तो आपकी प्रिडिक्शन जो है फिर वो चेंज हो जाती है, यानी कि एक आउटकम आया, आउटकम के बेस पे नेक्स्ट प्रिडिक्शन आप इजीली कर पाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ओके। इसके अलावा साथ में क्या हो सकता है, कनकरंट वैलिडिटी, कनकरंट वैलिडिटी। अब देखो भाई, प्रिडिक्टिव तो हो गया फ्यूचर में किसी चीज को बताना, कनकरंट वैलिडिटी हुआ कि उसी समय पर आप किसी चीज को बता रहे हो। इसमें आपके साथ में क्या आ जाता है, प्रिडिक्टर के साथ साथ में क्राइटेरियन का डेटा भी आ जाता है। क्या क्या आता है, प्रिडिक्टर प्लस क्राइटेरियन डेटा। अब बताता हूं ये होता क्या है, क्राइटेरियन डेटा, यानी कि दोनों चीजें यदि आपके पास में होंगी तो आप एक बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक कराना है कि आपके इंटेस्टाइन में आपको IBS है कि नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको है कि नहीं, ये आप चेक कराना चाह रहे हो, या आप अल्सर चेक कराना चाह रहे हो इंटेस्टाइन में अल्सर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, कई तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई एक टेस्ट यूज कर रहे हो, और यहां कंकरेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, यहां पर आप चेक करते हो कि क्या इसी प्रोसीजर को करने का, नेक्स्ट प्रोसीजर पे नहीं जा रहे, सेम प्रोसीजर को क्या करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, क्या कोई और मेथड भी हो सकता है
जो ये बता दे, यानी कि एक टेस्ट मान लो फॉर एग्जांपल कोई काम आप करा रहे हो एंडोस्कोपी, तो क्या एंडोस्कोपी की जगह पे कोई और टेस्ट भी हो सकता है? क्यों चेक कर रहे हैं हम? क्योंकि हो सकता है दूसरा टेस्ट सेम काम कर दे, सेम रिजल्ट बता दे हमें, हमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा जानना जो चीज चाहते हैं, हो सकता है वो सेम चीज कोई दूसरा टेस्ट बता दे और वो टेस्ट इस टेस्ट से सस्ता हो तो हमारे पैसे बच जाएंगे, या वो टेस्ट हो सकता है कम समय में बता दे तो हमारा टाइम बच जाएगा। यानी कि सेम अगले स्टेप पे नहीं जाना, सेम स्टेप को क्या हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, दूसरे टेस्ट से, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो उसको चेक करने को क्या कहेंगे? कंकरेंट वैलिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया यहां पर हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये बात हो गई भैया कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया को नापने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज है, कर सकते हैं या नहीं। ओके, अगला है भैया पोस्टडिक्टिव। एक तो हो गया प्रीडिक्टिव, पहले से बता देना। अगला आता है इसका उल्टा, पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी, अब मैं आप लोगों को जो है ना रिसर्च में पीएचडी कराने लग गया हूं, इतनी डीप से डीप चल पड़े हैं हम। चलो भाई, तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर फिर भी क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, राइट, और पुराने क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस 5%। कितने साल के? पिछले 10 साल के उठाओगे तो 5%, अदरवाइज अगर आप पिछले 4-5 साल के देखना चाहते हो तो 1% रिपीट होने के चांस है। यानी कि 50 में से मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन गलती से रिपीट हो जाए तो हो जाए पिछले 5 साल का, नहीं तो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा भाई, गारंटी है। ऐसा ही होता है नेट एग्जाम में, ठीक है। तो नए क्वेश्चन हर साल बनते रहते हैं और नए क्वेश्चन, अब पुराने बेसिक पूछते पूछते काफी टाइम हो गया, अब और डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी तो लोग कहते हैं कि यार अब तो बड़ा है डिफिकल्ट एग्जाम आने लग गया। भाई कॉम्पिटिशन भी तो बढ़ रहा है, जितने साल आगे बढ़ते जाओगे उतने ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो योग का पेपर भी डिफिकल्ट हो गया है पहले के मुकाबले, पेपर वन भी डिफिकल्ट हो गया है, तो समय के साथ और डिफिकल्ट होते जाएंगे, और डीप पूछता जाएगा और अंदर से पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब आपको नेट जर्फ क्लियर करना है तो 100% माइंड में उठा लो करना ही है, कुछ नहीं छोड़ना। ओके, तो प्रिडिक्टिव, कंकरेंट, उसके बाद आ जाते हैं पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है कि इफ ए टेस्ट इज अ वैलिड मेजर ऑफ समथिंग दैट हैपेंड बिफोर। मान लो आपने जो चीज मेजर करनी थी वो कर ली, ठीक, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट से जो चीज आप मेजर करना चाह रहे थे वो आप कर चुके, लेकिन करने के बाद अब आप उसको चेक करना चाह रहे हो कि क्या वो ठीक यूज किया था मैटर या नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, उसको कहते हैं पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। यानी कि इवेंट पहले हो चुका, चीज पहले हो चुकी, समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, बट अब आप उसको क्या करने जा रहे हो, टेस्ट करने जा रहे हो कि वो वैलिड था या नहीं था। काम होने के बाद उसको चेक करना पोस्टडिक्टिव, काम होने से पहले उसके बारे में चेक कर लेना प्रीडिक्टिव, और आपका जो काम है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो चीज हो रही है वो सही है या उसके रिप्लेसमेंट में कोई और बेटर ऑप्शन आ सकता है, इसको चेक करना क्या होगा, कंकरेंट। ठीक है, तो बात समझ में आई भैया, ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट वैलिडिटी।